Hi everyone, welcome back to my channel Creativity with Sapna. Hope you all are doing great and are safe. So guys, I'm back with another brand new video and guys, मैं आज बता दूँ आज का मेकअप लुक होने वाला है वैलेंटाइन डे स्पेशल मेकअप लुक. सो या गाइज, और मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा पिंकिश एंड न्यूड लुक करूँ ताकि मेरा लुक फ्लॉलेस लगे एंड मुझे जस्ट ग्लोइंग मेकअप लुक चाहिए. सो या तो ऐसा ही आज का मेरा पिंक ग्लोइंग मेकअप लुक होने वाला है, ना ही टू ब्राइट एंड डार्क, बहुत ही न्यूड सा एंड शाइनी लुक मुझे करना है, ग्लोइंग लुक करना है. सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन. तो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद वीडियो. तो गाइज, वैलेंटाइन डे स्पेशल मेकअप होने वाला है तो मैं बहुत ही लाइट मेकअप रखूँगी, लाइट बट ग्लोइंग मेकअप में मुझे चाहिए एंड पिंकिश लुक होना चाहिए. एंड या वैलेंटाइन में आप अगर तैयार होते हैं, इट्स मीन दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर पार्टनर, उसे भी अच्छा लगे. एंड स्पेशली बॉयज़ लोग में मैंने देखा है कि व्हेन गर्ल्स बहुत लाइट मेकअप करती हैं एंड लाइट एंड ग्लोइंग मेकअप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं. मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है कि बॉयज़ डोंट लाइक हेवी मेकअप. एंड सो ये वैलेंटाइन डे स्पेशल मेकअप होने वाला है तो बहुत वेरी लाइट एंड ग्लोई मेकअप में करने वाली हैं, बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक होने वाला है. एंड मैं आज फाउंडेशन भी यूज़ नहीं करूँगी, तो सिर्फ कंसीलर ही यूज़ करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरा लुक थोड़ा पिंकिश लुक हो. मेकअप मैं प्राइमर से स्टार्ट करूँगी, तो मैं प्राइमर ज़रा सा ले लूँगी एंड अपने फेस पे स्पेशली टी जोन पे भी मैं लगा लूँगी. तो यहाँ मैं मनीष मल्होत्रा का कंसीलर ले रही हूँ एंड या इसको मैं पूरे फेस पे नहीं, बस जहाँ थोड़े से पिगमेंटेड है वही एरिया पे लगाऊँगी, लाइक आईज़ के अंडर या एंड जहाँ पे मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है एंड माउथ के अराउंड भी और यहाँ पे भी थोड़ा सा चिन के पास एंड थोड़ा सा यहाँ पे भी. मेरी आईब्रो नहीं बनी है तो ये आईब्रो को भी मैं थोड़ा सा शेप कर लूँगी इसी से. या ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर आपको आईब्रोज प्रॉपर बने नहीं हैं तो आप इससे थोड़ा शेप, आपके कंसीलर से शेप हो जाती है. एंड या मैं नोज़ के भी पार्ट थोड़ा सा, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लूँगी, ये भी थोड़ा पिगमेंटेड होता है. तो सारा मैं ब्लेंड कर दूँगी एंड इसके बाद मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका सारा पिगमेंटेड एरिया कवर हो जाएगी. ले रही हूँ वेट ब्यूटी ब्लेंडर, तो इससे सारा ही कंसीलर इससे आराम से ब्लेंड हो जाएगी. गाइस, सारा कंसीलर ब्लेंड हो गया है एंड जस्ट या बस कंसीलर लगाने से ही काफ़ी फेस आपके बहुत सारे पिगमेंटेड एरिया कवर हो गई है, तो फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. थोड़ा सा लाइट फेस को कॉन्टर करूँगी, स्पेशली नोज़ के पास एंड ऑलरेडी मेरा फेस स्लिम है तो इसलिए ज़रा सा ही कॉन्टर करूँगी एंड ये पार्ट एंड चिन के पास थोड़ा सा जस्ट कॉन्टर कर लूँगी. नेक्स्ट आईज़ मैं टिंट यूज़ करने वाली हूँ, या आजकल मैं टिंट बहुत ज़्यादा लगाती हूँ एंड इससे आपका ब्लश का भी काम हो जाता है एंड इसे आप आई शेडो की जगह पे भी आप इसको लगा सकते हो, बट मुझे उतना आई शेडो आज थोड़ा लगाना है, ग्लिटरी लुक रखना है मुझे आईज़ का, सिंपल ग्लिटरी पिंकिश लुक करना है. तो अच्छा, स्पेशली एक नेचुरल सा ये पिंकिश लुक आता है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए टिंट लगाना. एंड आप देखो, या ज़रा सा ही टिंट लगाने से ये मेरे फेस पे एकदम मर्ज हो गई हैं एंड काफ़ी एकदम नेचुरल सा ग्लो आया है. टाइम है थोड़ा सा सिंपल आई मेकअप लुक करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ ये कॉपर सा शेड है ये मैं यूज़ करूँगी और मुझे थोड़ा पिंकिश आई लुक चाहिए, तो ये मैं कलर ट्रांजिशन के लिए यूज़ करूँगी. ये थोड़ा पिंकिश पीच पिंकिश टाइप है और इसको थोड़ा पर्पल के साथ मैं मिक्स कर दूँगी एंड इसको मैं यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन. एंड इसको मैं थोड़ा सा, ये मनीष मल्होत्रा के पैलेट में से ये कॉपरिश पिंक शेड है, इसको मैं अपने लिड पे लगाऊंगी, अंडर भी थोड़ा सा मैं इसको शेडो लगा लूँगी, थोड़ा पिंकिश लुक मुझे चाहिए. एंड या मेकअप लाइक पिंकिश आ रही है एंड ग्लिटरी लग रही है, तो ये ऐसा ही लुक मुझे चाहिए था, जिस मुझे मस्करा लगाना है एंड या आई विल बी ऑलमोस्ट डन. यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्राउन काजल एंड बहुत ही तो ब्राउन काजल भी लगा लिया है मैंने. नाउ मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर लगाऊंगी, वो भी बहुत ही थिन, जैसे कि आपको पता मेरा आईज हुडेड है तो मैं बहुत ही थिन आईलाइनर लगाऊंगी, जस्ट हल्का पतला. तो यह आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन.
नाउ मेरा फेवरेट पार्ट आई मेकअप का है वो है मस्करा लगाना, तो मैं मस्करा भर भर कर लगा लूँगी। वाओ, थोड़ा सा ही अप्लाई करने से मेरी आईलैश कितनी लिफ्टेड लग रही है। तो यार मस्करा भी लग गई है मेरी आँखों में, एंड या मैं फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाने वाली, इसलिए मस्करा मैंने अच्छे से लगाया है। एंड या ये मैंने मनीष मल्होत्रा का मस्करा लगाया एंड काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइक आई बहुत ही वॉल्यूमिनाइज लग रही है। नाउ लिपस्टिक के लिए मैं पिंक लिपस्टिक यूज़ करूँगी, ये है रेसिक्यू माई ग्लैम का, ये वाला शेड बहुत ही, इसको मैं एज अ लिप लाइनर यूज़ करने वाली हूँ। एंड या बेसिकली ये लिपस्टिक है, मैं इसको लिप लाइनर एज अ लिप लाइनर यूज़ करूँगी। फिर डीप हो गई है ये पिंक, काफ़ी डीप पिंक है, मुझे पिंक में एकदम डीप पिंक में नहीं चाहिए था, तो इसको लाइट करने के लिए मैं एक न्यूड शेड यूज़ करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे आप पूरे लिप पे आप पिंक शेड लगा सकते हैं, अगर आपके पास डीप पिंक है उसको न्यूड शेड में कन्वर्ट करने के लिए आप कंसीलर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैं न्यूड शेड का एक लिपस्टिक लगाऊंगी, वो भी मिडिल पार्ट में। या तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है, बस टाइम है थोड़े फेस पे ग्लो ऐड करने के लिए, ऐसे ही मेरी फेस ग्लो कर रही है। बट स्टिल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी लिक्विड इल्यूमिनेटर या हाइलाइटर, इसको थोड़े से अपने फेस पे लगाऊँगी कुछ आता है, एंड इसको बस अपने फेस में दो डॉट ही लगाऊँगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ, हाँ हाँ एंड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं बस, एंड इसको मैं अपने फेस पे मिला दूँगी। ओ माई गॉड, वाओ व्हाट अ ग्लो, मतलब इसको लगाते ही एक अलग सी शाइन आ रही है, लाइक इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है जिससे आपको लगेगा कि या ओहो वाओ, ये जो शाइन आ रही है इसको लाइक डैप करने से ही, ओहो वाओ आई एम जस्ट लविंग इट। जैसे मुझे नेचुरल ग्लो आ रहा था, इसने उसको और भी इन्हेंस कर दिया लाइक मेरे मेकअप को। वाओ, ओ माई गॉड, या आई एम जस्ट लविंग इट। गाइस आप देख सकते हो मेरा फेस कितना हाईलाइट करने लगा, काफ़ी ये लिक्विड इल्यूमिनेटर तो मेरे फेस पे चार चांद लगा दिए। नाउ मैं इयररिंग पहन कर आती हूँ, एंड अब हेयर अपना ओपन कर लाइक कोम करके आती हूँ, एंड यू विल सी माई फाइनल लुक। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक, एंड या जैसा लुक मुझे चाहिए था एंड वैसा ही आया, मुझे चाहिए था पिंकिश लुक, एंड या मैं लाइक मैं ग्लो करूँ ऐसा मुझे मेकअप लुक चाहिए था, एंड या वैसा ही लुक आया जैसे मुझे चाहिए था फॉर वैलेंटाइन डे। एंड या इट्स लुकिंग गुड, एंड काफ़ी मैं ग्लो कर रही हूँ। एंड या आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें। एंड या काफ़ी लाइक जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही आया है। सो या आई एम लाइक आई एम इम्प्रेस्ड विथ माई ओन मेकअप, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिकॉज योर कमेंट मोटिवेट मी अ लॉट एंड हेल्प मी टू डू बेटर। सो गाइज आप भी कमेंट करो, आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।